देखिए, नुजूल की भूमि मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे, यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। सर, इनके जो घटक दल के संजय निषाद भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़ेगा और अगर ऐसा रहा तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो इनको वोट बैंक से मतलब नहीं ना है, इनको केवल केवल नोट बैंक से मतलब है, वोट बैंक से मतलब नहीं है। नोट बैंक, नोट कहां से आएगा, उस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से गुजराती कंपनियों को देने की ये तैयारी है कि सारे नुजूल की भूमि लेकर उनको दे दिया जाए और सभी इम्पोर्टेंट जगह पर, शहर के सभी महत्वपूर्ण जगह पर ये हमारी ये जमीनें हैं, ये निश्चित तौर से बिल्कुल निरस्त करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। सर, एक सवाल और है इसके बाद, कल जिस तरह से जो सीएम ने प्रतिष्ठा और नौकरी की बात की, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली का गुस्सा यहां क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि उनके जो भाषण है उसमें जो भाषा शैली में उन्होंने कहा कि मैं प्रतिष्ठा के लिए तो मठ में मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। नहीं, काम करने के लिए आए हैं, काम करना चाहिए। अब काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें हों। जमीन पर काम, रोजगार पर बात नहीं हुई, महंगाई पर बात नहीं हुई, बेरोजगारी पर बात नहीं हुई, शिक्षा पर बात नहीं हुई, स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही है। लोग अभी मैं किसी जगह देख रहा था कि कैंसर के इलाज के लिए लोग अपनी जमीन और मकान घर बेच रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है कि कैसे व्यक्ति, गरीब आदमी अपना इलाज करा लेगा, कैसे अपने गरीब बच्चा अपने अच्छे बच्चों को पढ़ा ले जाए। केवल और केवल बात को घुमाना, बात को केवल तोड़ मड़ो को पेश करना, मैं समझता हूं कि ये इनकी आदत हो गई है। काम करिए, काम के लिए हर व्यक्ति आता है, केवल लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं। ये निश्चित तौर से जनता समझ चुकी है आपकी असलियत और 24 में बताया है, 27 में पूरी तरीके से बताने वाली है। नजूल प्रॉपर्टी बिल का मामला था तो कंट्रोवर्शियल था, अब यूपी के अंदर सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा देर रात ट्वीट करके इसका खुद सरकार से कहा। देखिए, बीजेपी में खुद ही इस पे दो मत हैं। एक मत जो गया है सेलेक्ट कमेटी, वो भी तो बीजेपी ने ही भेजा है, वहीं उनका पूर्ण बहुमत। तो ये कानून मैंने पढ़ा, जितना अध्ययन किया, जितना अखबार के माध्यम से, तो कानूनी गलत है। ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस है ये, जाने दीजिए। तो इसीलिए भेजा गया, अगर इसमें सुधार नहीं किया तो ये कानून बनने योग्य नहीं है।